विशाल पटेल के साथ खबर सनसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ले चलते हैं सीतापुर से और देखते हैं बड़ी खबर। सीतापुर पुलिस अधीक्षक चकियाल कुमार, जिलाधिकारी शीतल वर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु किए जा रहे निरंतर प्रयास के क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि ये सभी अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चौकीदारों को समय समय पर थाने पर बुलाकर उनके साथ मीटिंग करें, ग्राम चौकीदारों की छोटी बड़ी समस्या का शीघ्र निस्तारण करें। साथ ही साथ शीतलहर को देखते हुए उनको गर्म कपड़े और कंबल और 200 रुपए पुरस्कार आदि का वितरण किया जाए, जिससे ग्राम चौकीदारों को भी आत्मीयता का बोध हो सके। प्रभावी ढंग से चलाने के लिए गाँव में आप एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा मैंने डीएम साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया था, कितना भी पद है और कहाँ वारिस उनके पिता का देहांत हो, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों और यहाँ उपस्थित चौकीदार, चौकीदार सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है हमारा पुलिसिंग में, क्योंकि आप लोग गांव में रहते हैं, गांव के हालत जानते हैं, वहाँ क्या अच्छी चीज़ होती है, बुरी चीज़ होती है, उस सूचना तंत्र को सही रखने के लिए आपके काम बहुत जरूरी है। और थाने में आमंत्रित सभी हमारे ग्राम चौकीदार आज शासन के माध्यम से और पुलिस विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए किया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि ग्राम चौकीदार का पद सब टेक्नोलॉजी आने के बाद आज की तारीख में सब एक बार में हमारे पत्रकार भाई वीडियो वायरल कर देते हैं, उसके बाद भी हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट मैम होते हैं विलेज पुलिसिंग सिस्टम में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चौकीदार का एक हर गांव में एक चौकीदार रहे हैं, और कितना भी मजरे और गांव है वहाँ पर कितना भी सूचना है वो एक इंटेलिजेंस सिस्टम का एक नेटवर्क है, बहुत महत्वपूर्ण नेटवर्क है। इसके अलावा हमारे डे टू डे क्राइम और इसके अलावा कितना भी लावारिस लाश नहीं तो कोई गाँव में किस किस टाइप का कोई घटना होती है उसकी जानकारी भी देने के लिए इनको लगाया जाता है। इसके अलावा इनको अभी रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के नया ज़माने में सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कितना भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ज़मीनी बेसिक पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, कहाँ चौकीदार सिस्टम से आप फीडबैक लेंगे और वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको आज का कार्यक्रम में सबको रिक्वेस्ट किया था भाग लेने के लिए, बिकॉज अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर विलेज चौकीदार, और उनसे ये भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कुछ ऐसे पद लिखते हैं कहाँ बारिश उनके बारिशों के अनुसार उनके पद में उनको नियुक्त करके उसको थोड़ा और प्रभावी कर सकें, तो इसी वजह से इनको बुलाया गया था। और कुछ लोग यहाँ सम्मानित आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इनसे कुछ काम दिया जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज कितना भी फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे हमारे पास बहुत फोर्स की कमी रहने के टाइम पे पोलिंग बूथ ड्यूटीज़ में पोलिंग स्टेशन ड्यूटीज़ में इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी कितना भी उस टाइम का सूचना तंत्र के तौर पे भी उन लोगों से फीडबैक लिया जाता है, एक पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन पर भी इन लोग